अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये होगा कि किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर मतलब किसी रियल नंबर के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ठीक हो गया। सो एक मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे, लेट एम हमारे पास एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 0 -1 2 0 5 6, ठीक है। और यहां पर सपोज करें मेरे पास जो रियल नंबर है मतलब जो स्केलर है उसको मैं यहां कंसिडर करता हूं कि वो -2 है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूं किसको, सपोज करें मैं लिखता हूं कि अगर मैं के को जो स्केलर है उसको मैट्रिक्स एम के साथ मल्टीप्लाई करूं तो के की जगह क्या आएगा, -2। एम अपनी जगह पर एज इट इज आ जाएगा, -2 एज इट इज, और एम की जगह पर मैट्रिक्स एम की वैल्यूज लिखेंगे, 1 2 3 0 -1 2 0 5 6, ठीक है। अच्छा, किसी भी स्केलर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, उसमें सिंपल क्या होता है कि मैट्रिक्स की हर एंट्री को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो -2 × 1 -2 आएगा, -2 × 2 -4 आएगा, -2 × 3 -6 आएगा। अच्छा जी, -2 × 0 0 आएगा, -2 × -1 +2 आएगा, -2 × 2 -4, -2 × 0 0 आएगा, -2 × 5 -10 आएगा, और -2 × 6 क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा, ठीक हो गया। सो ये जो मैट्रिक्स बनेगा ना, ये बेसिकली क्या होगा कि के को आपने मैट्रिक्स एम के साथ मल्टीप्लाई किया और के बेसिकली क्या है, -2 है। सो यहां आपने देखा कि किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। तो हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे कि क्या ये मैट्रिसेस में होल्ड करती है या नहीं करती, तो वो भी देख लेते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो क्या है, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। अच्छा, इसमें क्या होगा कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हो, एक ए हो और एक बी हो, और आप उनको इस तरह से ऐड करें कि ए प्लस बी और बी प्लस ए करें और दोनों का आंसर क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो जो मैट्रिसेस हैं उसमें कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड हो रहा है। सो स्टूडेंट, आपने क्या करना है, आपने दो मैट्रिसेस ले लेने, ठीक है, कोई से भी ऑर्डर आप ले सकते हैं, लेकिन उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों का, ठीक है। तो लेट से 1 2 3 4, ये मैंने 2 × 2 का मैट्रिक्स लिया। यहां पर भी क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बी लेंगे, 0 0 1 0, ये एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया, दोनों को ऐड करके देखते हैं। सो ए प्लस बी, अच्छा ए प्लस बी में क्या होगा, 1 + 0 1 आएगा, नेक्स्ट 2 + 0 2 आएगा, 3 + 1 4 आएगा, 4 + 0 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बी प्लस ए कर लेते हैं। अच्छा, बी प्लस ए में क्या करेंगे कि पहले आपने मैट्रिक्स बी की वैल्यूज को रखना है, फिर ए की वैल्यूज को रखना है, ठीक हो गया। 0 + 1 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1, 0 + 2 करेंगे तो आंसर आएगा 2, और 1 + 3 करेंगे तो आंसर आएगा 4, 0 + 4 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो आप देखें कि आपको नजर आ रहा होगा कि a प्लस बी और b प्लस ए दोनों की वैल्यू आपस में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। सो आप कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक हो गया स्टूडेंट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन, एसोसिएटिव लॉ
अंडर एडिशन, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन में क्या होता है कि आपके पास अगर तीन मैट्रिसेस हों और उनको आप ऐड करें, ए प्लस बी प्लस सी, सो वो अगर इक्वल आ जाए ए प्लस बी प्लस सी के, तो हम कहेंगे कि जो एसोसिएटिव लॉ है वो अंडर एडिशन मैट्रिसेस में होल्ड कर रहे हैं। सही है। सो उसके लिए आपने क्या करना है, एग्जाम्पल लेनी है और उसमें तीन मैट्रिसेस होने चाहिए और मैट्रिसेस का अगेन ऑर्डर सेम होना चाहिए, 1 2 3 4। इसके अलावा बी जो है वो हम ले लेते हैं 0 0 0 1, सी मैट्रिक्स जो है वो चले 1 0 0 1 कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप लेफ्ट साइड को देखें ना स्टूडेंट, तो आपको क्या नजर आ रहा होगा कि पहले क्या हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, तो आपने क्या करना है, पहले जो ब्रैकेट में है बी प्लस सी उनको आपस में ऐड करना है। तो बी की वैल्यू क्या है, 0 0 0 1, और जो सी है आपके पास वो इक्वल है 1 0 0 1। ऐड करेंगे स्टूडेंट तो बी प्लस सी आ जाएगा, 0 प्लस 1 1 होगा, 0 प्लस 0 0 आएगा, 0 प्लस 0 0 आएगा, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे कि आपके पास क्या लेफ्ट साइड में कि ए को बी प्लस सी के साथ ऐड करना है, ए प्लस बी प्लस सी आपने करना है। तो ए की जो वैल्यू है वो हम देख लेते हैं क्या है, वो ए की वैल्यू आ रही है 1 2 3 4, आपने 1 2 3 4 लिखना है, प्लस बी प्लस सी। तो बी प्लस सी की वैल्यू स्टूडेंट अभी आपने फाइंड की है वो क्या आ रही थी, 1 0 0 2, 1 0 0 2, 1 0 0 2। ठीक हो गया। अच्छा, मजीद सिंप्लीफिकेशन के बाद देखते हैं क्या आंसर आता है। तो आप देखेंगे कि 1 प्लस 1 आएगा 2, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3 आ जाएगा, और 4 प्लस 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको 1 से इसको 1 बना दें। अच्छा, अब राइट साइड पे क्या था स्टूडेंट, राइट साइड पे आपके पास था कि ए प्लस बी प्लस सी, आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें आपने क्या करना है कि पहले आपने इसमें देखना है कि चले आप एक ब्रैकेट लगा दें, ए की वैल्यू है 1 2 3 4, उसको आपने ऐड करना है किसके साथ, बी के साथ। तो बी क्या है, 0 0 0 1, 0 0 0 1, यहां चूंकि ब्रैकेट क्लोज हो रहा है तो आपने भी क्लोज कर देना, और उसके बाद क्या ऐड हो रहा है, सी ऐड हो रहा है, और सी की जो वैल्यू है वो भी देख लेते हैं, सी की वैल्यू आ रही है 1 0 0 1, 1 0 1 0 0 1। ठीक हो गया। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो स्टूडेंट आपके पास आंसर क्या आएगा, इधर देखिए 1 प्लस ये आ जाएगा 1 2 3 5 प्लस 1 0 0 1, इसको मजीद अगर आप ऐड करें तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 2 3 और 6। सो ये आपके पास क्या आ गई है, इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। तो स्टूडेंट अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखें तो लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल आ रहे हैं, और लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल आने का मतलब ये है कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है वो मैट्रिसेस के लिए क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।